मैं हूं अभी जायका चाइनीज सेंटर रेस्टोरेंट के किचन में और शेफ राकिब है हमारे साथ। और आज शेफ हमें बता रहे हैं प्रॉन्स फ्राइड राइस की रेसिपी कि रेस्टोरेंट में जो झींगा फ्राइड राइस कैसे बनता है, आप जिसे प्रॉन्स फ्राइड राइस भी कहते हैं। तो शेफ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने मीडियम साइज़ के 5 प्रॉन्स ले लिए। ये एक सिंगल क्वांटिटी जितना रेस्टोरेंट में सर्व होता है उस हिसाब से हम बना रहे। तो प्रॉन्स क्लीन करने के बाद हम इसे छोटा छोटा ऐसे कट कर लेंगे प्रॉन्स को। ये पूरा क्लीन प्रॉन्स है, आपको सिर्फ इसे कट करना है और इसे फिर हम कोटिंग करेंगे और कोटिंग करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि कॉर्नफ्लोर जो है इस पर लग जाए। और अब हम इसे डीप फ्राई कर देंगे कि थोड़ा सा क्रंची हो जाए प्रॉन्स, फिर उसे हम प्रॉन्स फ्राइड राइस बनाएंगे। तो ये हमने जो है प्रॉन्स को फ्राई कर लिया, आप देख सकते हो हल्का लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। तो यहाँ ऐसे आपको फ्राई कर लेना है। और अभी हम प्रॉन्स फ्राइड राइस के लिए जो राइस का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक चाइनीज़ वोक ले लिया है, आप कोई भी गहरी कढ़ाई ले लीजिए, उसको अच्छे से हीट कर लीजिए। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, ऑयल को अच्छे से चारों तरफ फैला लीजिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें फेटे हुए अंडे डाल देंगे, लगभग 2 अंडे करीब आप इसको डाल देना है और अंडे को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अंडा जब फ्राई हो जाए तो हमने जो प्रॉन्स फ्राई किया था वो डाल देंगे इसमें और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम पहले से बॉयल जो राइस है वो डाल देंगे। फ्राइड राइस का राइस कैसे बॉयल होता है इसका वीडियो भी हमने बनाया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अब हम राइस मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक डाल देंगे और वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा टेस्टिंग पाउडर डाल देंगे। और फिर इसमें कैप्सिको सॉस डाल देना है आपको और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे, ऑयस्टर सॉस डाल देंगे और बटर डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करते रहेंगे। अब फ्लेम हाई करके आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। लगभग 1 से 2 मिनट आपको हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करना है। आप घर में बना रहे हो तो आप 2 से 3 मिनट करिए मिक्स इसे अच्छे से। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डालेंगे और उसे भी हल्का सा मिक्स करेंगे। तो ये हमारा प्रॉन्स फ्राइड राइस जो है वो रेडी हो गया है। अगर आपको इसे टेस्ट करना है, आप मुंबई से हो तो आप जायका चाइनीज सेंटर फोर्ट एरिया में जो रेस्टोरेंट है वहाँ के आप इसे टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आप इसे अपने घरों में बनाइए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका प्रॉन्स फ्राइड राइस कैसा बना। और भी ऐसे ही रेस्टोरेंट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।